हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटेक एजुकेशन पर। मैं मोहन आज बात करूंगा एडवांटेजेस ऑफ जियोलाइट प्रोसेस। तो आपको पता है, प्रीवियस लेसन में हमने जियोलाइट प्रोसेस देखी थी कि जियोलाइट प्रोसेस क्या होती है, उसके बीच में कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही है, रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग देख चुके थे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको देख ले, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली है। एंड अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दोनों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन पहले बात करेंगे हम एडवांटेजेस के ऊपर कि जियोलाइट प्रोसेस के क्या क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, तो इट रिमूव्स द हार्डनेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली। मतलब ये पूरी की पूरी ऑलमोस्ट क्या ऑलमोस्ट पूरी की पूरी हार्डनेस को रिमूव कर देता है। ठीक है, और वाटर ऑफ अबाउट 10 PPM हार्डनेस इज प्रोड्यूस्ड। मतलब ये स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, कि 10 PPM हार्डनेस तक का हमें वाटर इससे मिलता है। क्लियर है? तो कह सकते हैं कि जो हमारा जियोलाइट प्रोसेस है ऑलमोस्ट सारी की सारी हार्डनेस रिमूव कर देता है। ठीक है, दूसरा जो एडवांटेज है वो ये, द इक्विपमेंट यूज्ड इज कॉम्पैक्ट ऑक्यूपाइंग ए स्मॉल स्पेस। मतलब जो इक्विपमेंट, जो मैंने डायग्राम आपको बताया था सबसे फर्स्ट में, जो इक्विपमेंट है वो क्या है, कॉम्पैक्ट है। देखो एक बार मैं डायग्राम आपको बता देता हूँ जल्दी से। ये हमारा कॉम्पैक्ट है और स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा एडवांटेज भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है, नो इम्प्योरिटीज आर प्रिसिपिटेटेड, सो देर इज नो डेंजर ऑफ स्लज फॉर्मेशन इन द ट्रीटमेंट वाटर प्लांट। ठीक है, बोल सकता हूँ मैं कि अगर इसमें क्या हो रहा है, कोई भी प्रिसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा है, कोई भी इम्प्योरिटी का प्रिसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर स्लेज का कोई चांसेस नहीं है एंड हेंस रिस्क नहीं है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ एडवांटेज इसका जो है, कि द प्रोसेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट इटसेल्फ फॉर वेरिएशन इन हार्डनेस ऑफ इनकमिंग वाटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि जो हमारी प्रोसेस है जियोलाइट प्रोसेस, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है खुद को। भले ही हार्डनेस इनकमिंग वाटर, जो रॉ वाटर हमारा आ रहा है, इसमें देखना आप कि ये जो रॉ वाटर आ रहा है इसकी हार्डनेस बढ़ जाए या घट जाए, ये ऑटोमेटिकली इसको क्या कर लेगा, इसके हिसाब से मॉडिफाई कर लेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है किसका, जियोलाइट प्रोसेस का। ठीक है, इट इज़ क्वाइट क्लीन, समझ गए होंगे। इट रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर सॉफ्टनिंग, टाइम भी कम लगता है। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन में ये क्या कर देता है, वाटर को सॉफ्ट कर देता है। इट रिक्वायर्स लेस स्किल लेबर फॉर मेंटेनेंस एज वेल एज ऑपरेशन। मीन्स यहाँ पर कोई हाई स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि अच्छे अच्छे लेबर्स इंजीनियर्स होने चाहिए, उनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। जो हमारे डेली के जो लेबर्स होती है वो भी इस पर काम कर सकती है, और इसकी वजह से इसका जो मेंटेनेंस चार्ज होता है वो कम हो जाता है और ये इकोनॉमिकल हो जाता है। क्लियर है? तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जियोलाइट प्रोसेस के। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं जियोलाइट प्रोसेस के, तो ये है कि द ट्रीटेड वाटर कंटेंस मोर सोडियम सॉल्ट देन इन लाइम सोडा प्रोसेस। जो लाइम सोडा प्रोसेस हुई थी उससे ज़्यादा सोडियम कंटेन कर रहा है कौन, हमारा यहाँ पर जो वाटर हमें मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है, द मेथड ओनली रिप्लेस कैटायन एंड कैटायंस। ठीक है, इस मेथड के अंदर केवल और केवल कैटायंस, जो कि कैल्शियम प्लस टू और मैग्नीशियम प्लस टू है, लेकिन जो एसिडिक है, एसिडिक आयंस लाइक HCO3- एंड CO3 2- सच इन सॉफ्टेन वाटर, ये इसमें रह जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो यूज बॉयलर के लिए जो यूज़ किए जा रहे थे, सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज प्रोड्यूसिंग CO2 विच कॉजेस कोरोशन। अब ये जो एसिडिक आयंस जो रह गए हमारे, इनकी वजह से कोरोशन हो जाता है। एंड सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्सिल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड विच कॉज कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। ठीक है, तो जो हमारे क्या थे, एसिडिक आयंस रह गए थे, उनकी वजह से एक तो कोरोजन हो जाता है। ठीक है, कोरोजन हो रहा है
तो हमारा बॉयलर ख़राब हो जाएगा। दूसरा, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट भी हो रहा है, मतलब हमारा जो बॉयलर मटेरियल है वो ब्रिटल हो जाएगा, टूट टूट के पाउडर फॉर्म में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक मेज़र डिसएडवांटेज है यहाँ पर जियोलाइट प्रोसेस में, कि जियोलाइट प्रोसेस में केवल और केवल हमारे जो कैटायंस है वही रिप्लेस हो रहे हैं, बाकी जो एसिडिक आयंस जो हमारे हैं, एसिडिक आयंस जो है वो वहीं पर रह जाते हैं और वो रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन की वजह से एक तो कोरोजन कॉज करता है और दूसरा कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाई टर्बिडिटी वाटर कैन नॉट बी ट्रीटेड इफिशेंटली बाय दिस मेथड। अब टर्बिडिटी जो है मींस किसी वाटर के अंदर अगर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा है, टर्बिडिटी मतलब सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, ठीक है, तो उसको हम इफ़िशेंटली इस मेथड से सॉफ्ट नहीं कर सकते, बिकॉज फाइन इम्प्योरिटीज़ गेट डिपॉजिटेड ऑन द जियोलाइट बेड एंड देयर बाय क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर इट्स वर्किंग। अब देखो अगर क्या होता है, ये है, अगर हम यहाँ से टर्बाइड वाटर ले रहे हैं, टर्बिडिटी अगर किसी वाटर की ज़्यादा है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टर्बिडिटी ज़्यादा है, तो ये जियोलाइट बेड पर जाके जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ रहती है टर्बिडिटी के अंदर, वो इस पर क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, और सेटल हो जाएंगे तो ये इसको ब्लॉक कर देंगे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर ज़्यादा टर्बाइड वाटर है तो उसको हम जियोलाइट प्रोसेस की मदद से क्या सॉफ्ट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से क्लियर है इस वीडियो में, बस इतना ही, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको क्लियर हो गए होंगे, और बढ़िया अच्छे से सारी वीडियोस देख ले जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जय हिंद।